Assalamu alaikum students. I'm Dr. Rahat Mujib and I'm here with your course Animal Form and Function 2. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर दैट इज अबाउट सेंसेस कम्युनिकेशन 2. दिस इज अबाउट सेंसेस. आज का हमारा टॉपिक है सेंसिटिव रिसेप्टर के बारे में. बाय द डेफिनेशन The senses of an animal limits and define its impression of environment. Senses किसी animal के senses उसको define करती है, उसका criteria, उसका impression, उसका lifestyle किसी के animal का, कि वो अपने environment में किस तरह से रह रहा है, ठीक है. उसके senses define करती हैं कि वो किस हद तक उसका लाइफ स्टाइल जो है वो मॉडर्न है या किस हद तक उसका लाइफ स्टाइल जो है वो सिंपल है. ठीक, कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेंसेस जो है वो जिस तरह ह्यूमन में वी हैव 5 सेंसेस, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सेंसेस कम होती हैं. ठीक, उनमें 1 या 2 सेंसेस होती हैं. ठीक, और वो अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं या अपना लाइफस्टाइल उस तरह से कर लेते हैं जैसे उनमें सेंसेस पाई जाती हैं. कुछ कोई एक सेंस उनमें बहुत पावरफुल होती है, ठीक है, और उस सेंस के अकॉर्डिंग वो अपने आप को उस या अपने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर लेते हैं. ठीक है, तो जो सेंसेस है वो एक एनिमल को उस का इम्प्रेशन शो करती हैं कि वो इन्वायरमेंट में उसका कितना पार्टिसिपेट है उसके इन्वायरमेंट में, ठीक है, या इन्वायरमेंट के साथ वो कितना कोऑप कर रहा है. तो कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें जो कि सिर्फ उनमें टच की जो सेंस है वो बहुत पावरफुल होती है, ठीक, एज़ कम्पेयर टू अदर, या बाकी जो सेंसेस हैं वीएन की सेंस है या साउंड की सेंस है वो बहुत कम होती है या बहुत लो होती है. तो वो क्या करते हैं, उन्हें अगर सिर्फ टच की सेंस पावरफुल है तो वो विद द हेल्प ऑफ टचिंग सब्सटेंस या टचिंग एनी मटीरियल उस तरह से अपना लाइफ स्टाइल को अपने इन्वायरमेंट में उस तरह से अपने आप को मर्ज कर लेते हैं कि वो थ्रू टच उनकी डायरेक्शन, उनकी मूवमेंट या उनकी फूड की तरफ सिग्नल, हर चीज़ उनको थ्रू टच जो है वो समझ आ रही होती है, या टच की थ्रू टच या टैक्टाइल रिसेप्टर्स वो अपने आप को या अपनी फूड की तरफ अपने आप को लेके जाते हैं या उनकी मूवमेंट जो है वो थ्रू दिस सेंस होती है. ठीक है, तो कुछ कोई सिग्नल चाहिए होता है, ठीक, कोई इन्वायरमेंट में कोई सिग्नल्स चाहिए होते हैं जो कि इन्वायरमेंट जो एनिमल कैच करते हैं. जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, न्यूरॉन्स पढ़े हैं, न्यूरॉन स्टिमुलस रिसीव करते हैं और उसको डिफरेंट न्यूरॉन्स के नर्व्स के थ्रू नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन से दोबारा नर्व्स के थ्रू इफेक्टर सेल तक लेके आते हैं. तो किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी सिग्नल को, किसी भी मैसेज को रिसीव करने के लिए ऑर्गन्स जो होते हैं उनको रिसेप्टर्स कहते हैं. ठीक है, तो रिसेप्टर जो मैसेज कैरी करते हैं या मैसेज रिसीव करते हैं या कोई उन्होंने विद द हेल्प ऑफ वीएन सेंस या साउंड के सेंस में कोई मैसेज रिसीव किया है, विद द हेल्प ऑफ टच कोई मैसेज रिसीव किया है, तो वो जो मैसेज है या वो सिग्नल है दिस इज द स्टिमुलस. The stimulus is any form of energy of an animal can detect with its receptor. The sensory receptor work on stimulus to in nerve impulse rule, which mean that they receive the stimulus and convert into nerve impulse. So all the receptors are conductors. अब ये वो ही पुरानी बातें जो हमने last lecture में discuss की थी कि stimulus को receive करते हैं neurons और neurons उसको आगे कन्वर्ट करते हैं एक्शन बाय एक्शन पोटेंशियल को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं. नर्व इम्पल्स जाती है ब्रेन तक और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज रीड करके दोबारा जो इंस्ट्रक्शन है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर सेल्स में आती हैं और हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्शन शो करती है. ठीक है, तो ये जो सारा नेटवर्क है
फ्रॉम रिसीविंग मैसेज एंड कन्वर्टिंग इट टू नर्व इंपल्स, ये जो सारा ट्रैक है या जो ये सारा नेटवर्क है इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं द रिसेप्टर्स आर ट्रांसडक्टर, ठीक है, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर इज एनीथिंग दैट इज एबल टू मेक चेंज, ठीक है। तो रिसेप्टर्स ऐसे सेल्स हैं हमारी बॉडी के, किसी भी एनिमल की बॉडी के, जो कि दैट आर एबल टू प्रोड्यूस चेंज। ये डायग्राम है जो कि हमारी स्किन की डर्मिस में डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स सेल को शो कर रही है, ठीक है। और वो रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, उनमें उन रिसेप्टर सेल्स में डिफरेंट टाइप्स के सेंसेस हैं, ठीक। हमारी सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ पेन, ठीक, सेंस ऑफ हीट और कोल्ड, ठीक। तो ये सारी सेंसेस हमारी स्किन की डर्मिस में पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो स्किन की डर्मिस है उस उनमें इन सेंसेस या इन सेंसिटिव रिसेप्टर्स के डेंड्राइटस या नर्व एंडिंग्स पड़ी होती है। जब भी वो स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल अगर टच का स्टिमुलस आया है तो जो टच के रिस्पेक्टिव सेंसरी न्यूरॉन है उसके नर्व नर्व एंडिंग्स को वो स्टिमुलेट करेगा। जब वो स्टिमुलेट हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, तो वो मैसेज कन्वे करेंगी फ्रॉम दी डेंड्राइटस ऑफ न्यूरॉन, और न्यूरॉन से के एग्जॉन से वो एक न्यूरॉन के एग्जॉन से दूसरे न्यूरॉन के एग्जॉन पे जंप करेगा, ठीक है, बाय साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक। और फिर उसकी जंपिंग लाइक मूवमेंट को नर्व इम्पल्स के थ्रू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हुए ब्रेन में लेके जाएगी, और ब्रेन से मैसेज दोबारा से हमारे रिसेप्टर सेल्स, इफेक्टर सेल्स तक आएगा या हमारे मसल तक आएगा। तो हम क्या करेंगे, फील करेंगे, ठीक, उस सेंस को, उस चीज़ को, उस टच को या उस पेन को हम लोग फील करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म वही है जिस तरह से नर्व इम्पल्स का मैसेज गो थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये जो टच है, ये जो सेंसेस हैं, इनकी नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में, थ्रू आउट दी बॉडी हमारे इनका जो नेटवर्क है वो सेपरेट है। तो ये जी इस डायग्राम में फर्स्ट जो है रिसेप्टर, दीज आर दी फ्री एंडिंग, एंड दीज फ्री एंडिंग सेंस पेन, हीट एंड कोल्ड, ठीक, ये फ्री एंडिंग है हमारी थ्रू आउट दी बॉडी, स्किन की एपिडर्मस में थ्रू आउट फ्री एंडिंग मौजूद होती है, ठीक है। ये मर्कल डिस्क रिसेप्टर्स हैं, और ये टच को रिसीव करते हैं, टच का सिग्नल रिसीव करते हैं। ये क्राउज एंडिंग एंड बल्ब्स हैं, ये भी टच को करते हैं। इनके जो कुछ रिसेप्टर्स आते हैं जिनको लोकेशन के, जिनका जो नेम है बाय देयर पोजीशन और लोकेशन होता है, और कुछ रिसेप्टर का जो नाम है वो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन होता है, ठीक। तो और कुछ रिसेप्टर का नाम अकॉर्डिंग टू देयर शेप होता है, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टच के बहुत से रिसेप्टर्स नज़र आ रहे हैं, 3-4, ठीक है। तो ये रिसेप्टर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन है, ठीक है, तो एक ही तरह के टच के, एक ही सेंस है, लेकिन इनकी क्वालिटीज डिफरेंट हैं, सब टच के ही, लेकिन इनकी क्वालिटीज डिफरेंट हैं। तो इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, इनकी क्वालिटी या उनकी फंक्शन की वजह से इनका, इनको डिफरेंटली डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया हुआ है। नेक्स्ट है जी रूट हेयर फ्लेक्स, ये भी टच को रिसीव करते हैं, टच के सिग्नल को। रूफिनी एंडिंग, ये प्रेशर को, ब्लड प्रेशर, वाटर प्रेशर, ठीक है। एसिनियन कार्प सेल्स, ये प्रेशर को करते हैं सेंस, ठीक है। यही रिसेप्टर हमारी फिंगर में दिखा हुआ है, ठीक है, हमारी फिंगर की टिप में ये जो रिसेप्टर हैं ए वाले, दैट इज दीज रिसेप्टर, टैक्टाइल रिसेप्टर सेंस टू टच लाइक लाइट को। आप देखें इनकी जो कैटेगरी है, ठीक है, ये दोनों टच के ही, ए बी और बी भी, ए सिग्नल भी और बी से बी रिसेप्टर भी, लेकिन इनमें डिफ्रेंशिएशन क्या है, ये लाइट के सिग्नल को, की टच को, लाइट के टचिंग को या लाइट रेज को रिसीव करने के सिग्नल को रिसीव करते हैं, और ये
वैसे कोई टच, कोई चीज़ हमसे, कोई सबस्ट्रेट, कोई मटेरियल या कुछ भी हमारी फिंगर के साथ लग गया या बॉडी के साथ लगे, तो ये उसको किसी सॉलिड मटेरियल के टचिंग को रिसीव करते हैं उसी लग। ये फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं, ये वाली ग्रे कलर की, ये पेन को रिसीव करती हैं। डी प्रेशर को, फॉर एग्जाम्पल वाटर प्रेशर, या हमारा शुगर लेवल लो हो रहा है, या हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, या ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, तो इस सिग्नल को ये रिसीव करते हैं। और ई, ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे वॉर्म्स को, ठीक है, या टेम्परेचर हाई हो गया बॉडी का, एनवायरमेंट का टेम्परेचर हाई हो गया, उसको उसका सिग्नल को रिसीव करते हैं। दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। They contain sensitive receptor cells or finally branched peripheral ending of sensory neuron that respond to a stimulus by creating a generator or action potential. आपने पीछे देखा है कि ये sensitive receptor cells होते हैं जो different senses को control करते हैं या different senses को sense करते हैं, और इनकी जो endings होती हैं वो peripheral होती हैं। अब जितनी भी ये types हैं, इनकी peripheral endings हैं, ठीक है, पेरिफेरल एंडिंग्स हैं। और मैकेनिज्म या रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस क्या है, वो ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना, और एक्शन पोटेंशियल सीएनएस तक जाएगा और ब्रेन से मैसेज आगे कन्वे होगा। ये स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू रिसीव अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। अब इनका जो स्ट्रक्चर है, अब टच के दो आपने देखे थे लास्ट डायग्राम में, दो आपने टच के सेंसेस देखी थी, सेंसरी रिसेप्टर्स ए और बी। इनका जो डिज़ाइन है, इनकी जो शेप है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन और रिसीविंग सिग्नल, ये इस तरह की इनकी शेप जो है वो इस तरह की होती है। देयर रिसेप्टर सेल साइनैप्स विद एफरेंट फाइबर दैट ट्रैवल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलोंग स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे। In central nervous system, the nerve impulse is translated into a recognizable senses such as sound. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई साउंड का सिग्नल आया है, ठीक, वो हमारे कान ने रिसीव किया है, कान से वो कहाँ गया, नर्व हमारे नर्व फाइबर के थ्रू हमारे ब्रेन में, और नर्व वो जो वाइब्रेशन थी, जो नर्व इम्पल्स, जो नर्व फाइबर ने जो वाइब्रेशन कैप्चर की है, वो इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल की है, एक्शन पोटेंशियल से ब्रेन में, और ब्रेन से ब्रेन ने वो मैसेज को रीड किया और उसने रिकॉग्नाइज कराया कि ये जो साउंड है या ये जो सिग्नल आया है, जो स्टिमुलस है, दैट इज अबाउट साउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स समटाइम्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी। एक्सट्रा रिसेप्टर्स। दीज आर रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल टच और प्रेशर और हीट के जो रिसेप्टर्स हैं, वो बॉडी के ये सेंस करते हैं उस चीज़ को, ठीक, ये रिसेप्टर कोई बाहर के आउटसाइड द बॉडी सिग्नल को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेशर हमारी बॉडी में पड़ रहा है, ठीक है, ये टच हो रही है हमारी बॉडी के साथ कोई चीज़, या फिर हमारी बॉडी फील कर रही है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, नॉट इंटरनल बट एक्सटर्नल, ठीक। तो जो ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आउटसाइड द बॉडी सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। इंट्रोसेप्टर्स। दीज आर रिसेप्टर विच प्रेजेंट और रिस्पॉन्ड इंटरनली एंड रिसीव द रिस्पॉन्स फॉर इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, ये इंटरनल ऑर्गन के, नॉट आउटसाइड द बॉडी बट इनसाइड द बॉडी, अगर इनसाइड बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या ब्लड ऑक्सीजन हाई हो रही है, तो ये इंटरनल ऑर्गन इनसाइड द बॉडी ऑर्गन के जो स्टिमुलस हैं, ये सिग्नल्स हैं, उनको रिसीव करेंगे। प्रोसेप्टर्स। दीज आर दोज व्हिच डिटेक्ट डिस्टेंस स्टिमुलस, फॉर एग्जाम्पल वीएन और हेयरिंग। अब वीएन अगर हम लोग ये चीज़ देखी है तो हम दूर से देखेंगे ना, तो यूं तो नहीं होगी कि वो हमारी आंख के साथ आके लगेगी तब हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो प्रोसेप्टर्स या टेलीसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिस्टेंस के स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करते हैं या सेंस करते हैं। There are 9 different types of receptor present in invertebrates based on type of stimulus they can detect.
दे इंक्लूड बेरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, जियो रिसेप्टर्स, हाइग्रो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, टैक्टाइल रिसेप्टर एंड थर्मो रिसेप्टर्स. बैरो रिसेप्टर, बैरो मीन वेट. ठीक, तो ऐसे अब वेट से आपके माइंड में आ रहा है वेट इज इक्वल टू प्रेशर. ठीक, अब ऐसे रिसेप्टर जो कि प्रेशर, चेंज इन प्रेशर को सेंस करें. ठीक है, चेंज इन रिसेप्टर को में चेंज इन प्रेशर या चेंज इन वेट को सेंस करें उनको बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं. रिस्पॉन्स ऑफ चेंज प्रेशर चेंज हैज बीन आइडेंटिफाइड इन मोशन डिवेलिंग पॉपी पॉड्स, क्रस्टेशियन, जेलीफिश या स्क्विड्स. ऐसे ये ज़्यादातर जो डीप इन द ओशन एनिमल्स रहते हैं या फिशेज रहती हैं उनमें ये रिसेप्टर्स होते हैं और ये वाटर के प्रेशर को, चेंज इन वाटर प्रेशर या चेंज इन वाटर करंट को सेंस करते हैं. ठीक है, या उन एनिमल्स में जो इंटरटाइडल उन एनिमल्स में जो इंटरटाइडल मतलब वाटर करंट में रहते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में स्विम करते हैं और उन वाटर के उस पार्ट में रहते हैं जो कि हर वक्त मूव करता है. ठीक है, टाइडली मतलब वेव के थ्रू टाइडल्स होती हैं, टाइड्स होती हैं जो कि हैवी वे मूवमेंट वाटर होता है. ठीक है, हैवी मूवमेंट वेव्स होती हैं वाटर की. तो कुछ ऐसे एनिमल्स बैरो रिसेप्टर हैवी टाइडल वेव्स या इंटर टाइडल एनिमल्स में भी होती हैं और ये वाटर के करंट्स को फील करने के लिए वाटर के प्रेशर को फील करती हैं थ्रू बैरो रिसेप्टर्स. कीमो रिसेप्टर एज आइडेंटिफाई बाय नेम कीमो या कीमिया मीन केमिस्ट्री. तो ऐसे रिसेप्टर जो कि केमिकल्स या आयन के चेंज को या चार्जेस के चेंज को आइडेंटिफाई करें उनको कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं. दीज आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूनिवर्सल सेल्स इन द एनिमल किंगडम. प्रोटोजोआ हैव केमिकल सेल्स, दे रिस्पॉन्ड टू अवॉइडेंस बिहेवियर टू अल्कली एंड सॉल्टी स्टिमुलाई. ये न्यूट्रल वाटर में रहते हैं. ठीक है, प्रोटोजोआ जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं जिसकी जो पीएच है वो न्यूट्रल हो. ठीक, फ्रेश वाटर में न्यूट्रल वाटर न्यूट्रल पीएच वाटर में रहते हैं. ठीक है, तो ये अवॉइड करते हैं अल्कली या सॉल्टेट्री या एसिडिक सिग्नल्स को से अवॉइड करते हैं. ठीक है, जहाँ पर वाटर ज़्यादा सॉल्टी हो गया तो वहाँ से ये माइग्रेट कर देते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं और किसी और तरफ मूव करते हैं. स्पेसिफिक केमिकल अट्रैक्ट प्रीडेटरी सीरिएट टू देयर प्रीडेटर. अब कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स सॉरी कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं या एनिमल ऐसे होते हैं वो अपने केमिकल उनमें जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो सेंस करते हैं कि पानी में इस वक्त उनका प्रे जो है वो उनके आसपास है. तो वो केमिकल रिसेप्टर्स के थ्रू या उन केमिकल्स के थ्रू जिसको वो सेंस कर रहे होते हैं उनके थ्रू उनको सीरिएटरी प्रीडेटर्स को अपना प्रे रिकॉग्नाइज करने में या प्रे को या अपने फूड को रिकॉग्नाइज करने में या कैच करने में हेल्प होती है थ्रू कीमो रिसेप्टर. These type of chemicals also associated with their lifestyle. Example include chemoreceptor that provide information that, to the animal uses to perform task. अब ये chemoreceptors जो हैं वो different task perform करने में help करते हैं. For example, humidity detection. कुछ animal ऐसे होते हैं जो कि humid area में ज़्यादा रहते हैं. ठीक, कुछ ऐसे ऐसे एनिमल होते हैं जो humid area को avoid करते हैं. तो जो chemoreceptors हैं वो humidity detection के लिए भी use होते हैं. तो किसी भी एनिमल को तो के बिहेवियर को या उसके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कीमो रिसेप्टर एज अ ह्यूमिड रिकॉग्नाइजर यूज हो रहे होते हैं और पीएच असेसमेंट के लिए यूज होते हैं. जी, किसी पानी में या किसी भी सॉइल की पीएच सॉल्टी हो गई है या एसिडिक हो गई है या अल्कलाइन हो गई है तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो का साल्ट टबिंग होते हैं तो वहाँ के वो होमिंग करते हैं. ठीक, और कुछ ऐसे होते हैं कुछ साल्ट रिपेलेंट होते हैं तो वो वहाँ से माइग्रेट कर देते हैं. तो कीमो रिसेप्टर उनको उनकी होमिंग या माइग्रेशन में भी या ट्रैकिंग में हेल्प करता है, फूड रिकग्निशन में हेल्प करते हैं, मेट लोकेशन में हेल्प करते हैं. इन आर्थ्रोपोड्स द कीमो रिसेप्टर्स आर यूजुअली इन एंटीना, माउथ पार्ट्स
एंड द लेग इन द फॉर्म ऑफ होलो हेयर्स. अब कुछ के एंटीना में, कुछ के हेड में, ठीक है, कुछ की लेग्स में, ये क्या ये कीमोरिसेप्टर्स होते हैं और उनकी कंपोजिशन क्या है या उनका टेक्सचर क्या है. होलो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके एंटीना पे, छोटे छोटे बहुत से टाइनी से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो अंदर से हॉलो होते हैं, खाली होते हैं, ठीक है. तो उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, कीमो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि केमिकल्स सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं. अब ये एक कीमो रिसेप्टर की डायग्राम है या इमेज है. अब यहाँ पर इसकी लेग पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, छोटा सा टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसकी थ्रू आउट दी लेग रीजन, ठीक. तो ये एक हेयर की डायग्राम दिखाई हुई है, क्या है ये एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है और इसके ये अंदर से हॉलो है, ठीक है, खाली है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन के डेंड्राइटस हैं, ठीक. और ये इसकी सेल बॉडी और ये इससे एक्सॉन है. कोई भी केमिकल आएगा ये अपने डेंड्राइटस से एक्सॉन न्यूरॉन के डेंड्राइटस से उसको सेंस करेंगे सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन से उसके बॉडी और फिर उसकी सीएनएस में जाएगा. जीओ रिसेप्टर, एज यू नो अबाउट इट्स नेम जियो मीन अर्थ. तो अर्थ का जो रिलेशनशिप है वो ग्रेविटी से है, ठीक. अर्थ को का नाम सुनते हुए हमें हमारे जहन में जो सबसे पहला वर्ड आता है दैट इज रिलेटेड टू दैट इज ग्रेविटी और रिलेटेड टू ग्रेविटी. जियो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दिस गिव एन एनिमल इंफॉर्मेशन अबाउट इट ओरिएंटेशन रिलेटिव टू अप और डाउन, ठीक है. कुछ इंसेक्ट जमीन से कितना ऊंचा है या कितना ऊंचा वो फ्लाई कर रहे हैं या जमीन से कितना उन्होंने नीचे करना है, कुछ बोरिंग या फिर जो बोरिंग ड्रिलिंग इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो जमीन के कितने नीचे हैं या उन्होंने कितने नीचे तक बोरो करना है जमीन को, तो ये सारी सेंसेस उनको बता रही होती हैं. और वो जो सेंस उनको बता रही होती है वो कौन सेंस करता है उस स्टिमुलस को या सिग्नल को या सेंस को कौन मैसेज दे रहा होता है या उसको कौन सेंस कर रहा होता है, दीज आर दी जियो रिसेप्टर्स. मोस्ट जियो रिसेप्टर्स आर स्टैटो सिस्ट. स्टैटो मीन स्टैंडिंग एंड सिस्ट मीन सैक, ठीक है. स्टैटोस्टिक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक. सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या है, एपिथीलियल सेंसिटिव एपिथीलियल सेल्स हैं उसके अंदर और उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और ये एक चैम्बर है, ठीक, फ्लूइड फिल चैम्बर, और उसके अंदर एक सॉलिड ग्रैन्यूल है जिसको स्टैटोलिथ कहते हैं. ये फ्लूइड फिल चैम्बर है और ये स्टैटोलिथ जो कि सॉलिड ग्रैन्यूल या सॉलिड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर है, ठीक. और ये जो फ्लूइड फिल चैम्बर है इसको कवर किया हुआ है सेंसरी एपिथीलियल ने, सेंसरी एपिथीलियल सेल्स ने, और इनके ऊपर सीलिया लगे हैं, ठीक है. इनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन या सीलिया है, ठीक. जब भी कोई एनिमल मूव करता है या जब भी कोई इंसेक्ट मूव करता है जिनमें ये स्टैटोसिस्ट है तो क्या होता है, ये जो फ्लूइड है ये मूव करता है, इसकी पोजिशन चेंज होती है, ये मूव करता है. और ये जो स्टैटोलिथ है ये मूव करता है, इसकी मूवमेंट से ये जो इसके अंदर चैम्बर के अंदर फ्लूइड है वो मूव करता है, इसकी मूवमेंट को सेंस करते हैं ये जो इसके ऊपर सीलिया हैं, एपिथीलियल एपिथीलियम सेंसरी सीलिया जो है वो इसकी इंटेंसिटी जब चेंज होती है चैम्बर की उसको ये फील करते हैं या सेंस करते हैं. स्टैटोसिस्ट आर फाउंड इन वेरियस गैस्ट्रोपोड स्फेरोपोड्स क्रस्टेशियंस निमर्टियंस एंड पॉलिशेस. दीज एनिमल्स यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टैटोसिस्ट इन डिफरेंट वे. फॉर एग्जाम्पल बोरिंग इन वर्टिब्रेट कैन नॉट रिलाई ऑन द फोटो रिसेप्टर फॉर ओरिएंटेशन, कि अपनी ओरिएंटेशन को अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए व्हील को नहीं यूज करते या अपनी आंखों का यूज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि स्टैटोसिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं करते हैं, ठीक है. अब वो जो स्टैटोसिस्ट के अंदर एक स्टैटोलिथ है जो एक स्ट्रॉन्ग लाइक या ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, जब वो मूव करेगा एनिमल मूव करेगा तो वो मूव करेगा तो उसके अंदर जो चैम्बर है वो की इंटेंसिटी एक साइड को ज़्यादा होगी, एक साइड पे कम हो जाएगी तो एनिमल को
एनिमल जो है वो फील करेगा, उसके जो रिसेप्टर फील करेंगे या सेंस करेंगे कि हम ये जो एनिमल है उसने किस तरफ मूव करना है या किस तरफ मूव कर रहा है। प्लैंकटोनिक एनिमल जो पानी में बहुत से माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स पाए जाते हैं, वो अपनी थ्री डायमेंशनल मूवमेंट को इससे कंट्रोल करते हैं, और डीप वाटर में वो दिन या रात का भी पता जियो रिसेप्टर्स के थ्रू ही लगाते हैं एज कम्पेयर टू देयर आईज। ठीक है, वो अपने आईज का या अपने सेंस ऑफ वियन का यूज नहीं करते, बल्कि वो अपने दिन और रात का अंदाज़ा इस फ्लूइड से फ्लूइड कैविटी से लगाते हैं या जियो रिसेप्टर से लगाते हैं। A number of aquatic insects detect gravity from air bubble trap in the certain passageway. Hygroreceptor detect the water content of air, या humidity को detect करते हैं, moisture को air में कितना moisture है, कितनी humidity है, उसको ये detect करते हैं receptors. For example, some insects have hygroreceptor that can detect small change in the ambient relative humidity. This sense able them to see environment which with a specific humidity or to modify their physiology or behavior with respect to their ambient temperature. अब ये अपने environment के temperature के according अपने behavior को change करते हैं। ठीक है, अगर environment में कुछ जैसे कि पहले बात हो चुकी है, कुछ insect या कुछ invertebrate ऐसे हैं जो कि humidity loving होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि humidity repellent होते हैं, तो ये अपने behavior को, अपने lifestyle को, अपनी physiology को उस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। और कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे भी होते हैं जो इन ह्यूमिड टेम्परेचर मेटिंग करते हैं या इन ह्यूमिड टेम्परेचर वो एग लेइंग करते हैं। ठीक, तो इस तरह से वो अपने बिहेवियर को या अपने लाइफस्टाइल को थ्रू देयर सेंसेस, थ्रू देयर रिकॉग्नाइजिंग सेंसेस, ठीक, अपने लाइफस्टाइल को वैसे मॉडिफाई कर लेते हैं। A variety of hygrosensory structure has identified on the antenna, pulse and underside of the body and near the spiracles of insects. Spherical thread में structures होते हैं जो कि इनकी gaseous insect की gaseous exchange में help करते हैं। Phonoreceptor, phono जैसे के नाम से पता चल रहा है, form in voice. तो ये साउंड को डिटेक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं साउंड की तरफ। दीज हैव बीन डेमोंस्ट्रेटेड ओनली इन इंसेक्ट, अरैक्नड्स एंड सेंटीपीड्स। सेंटीपीड्स कहते हैं जिनके हंड्रेड्स ऑफ फीट्स हों। ठीक, ऑल्सो अदर इनवर्टिब्रेट्स सीम टू रिस्पॉन्ड द साउंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन ऑफ द स्टेटम। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट्स, ग्रासहॉपर्स, सिकाडास possess this phonoreceptor called the tympanic or tympanal organ. This organ consists of tough, flexible tympanum that cover an internal sac that allow the tympanum to vibrate when the sound wave strike. अब जब बाहर से आवाज़ या कोई साउंड उसकी बॉडी के साथ टच करेगा, किसी भी इंसेक्ट की बॉडी के साथ टच करेगा, तो वो उसको डिटेक्ट, उसकी वाइब्रेशन को कौन डिटेक्ट करेगा? ये organ, tympanal organ. टेम्पेनल ऑर्गन में जब इसकी मेम्ब्रेन में जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, तो उसका CNS सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि साउंड जो है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, या इस तो ये जो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं, छोटे इंसेक्ट, जो बड़े इंसेक्ट जो छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो वो छोटे इंसेक्ट क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो टेम्पेनिक या टेम्पेनल ऑर्गन डिटेक्ट करता है साउंड को या वाइब्रेशन को, तो इनका माइंड, इनको, इनका जो CNS है वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि साउंड जो है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये उस डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं और अपने प्रे को कैच करते हैं। ठीक है, कुछ अरैक्निड्स मतलब स्पाइडर वगैरह में फोनो रिसेप्टर इन देयर क्यूटिकल कॉल्ड द स्लिट सेंस ऑर्गन दैट कैन सेंस साउंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन। सेंट्रीपीड हैव ऑर्गन ऑफ टोमोजबेरी विच सम जोलॉजिस्ट बिलीव टू मे बी सेंसिटिव टू साउंड। लेकिन जो स्लिट सेंस और टोमोजबेरी की जो फिजियोलॉजी है या उनका जो पाथवे है टू डिटेक्ट साउंड या टू डिटेक्ट वाइब्रेशन, वो पुअरली अंडरस्टूड है।
फोटोरिसेप्टर्स व्हिच आर सेंसिटिव टू लाइट. फोटोरिसेप्टर पजेस लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड्स और रिटोप्सिन. दीज रिसेप्टर एब्जॉर्ब फोटॉन्स ऑफ लाइट एनर्जी एंड प्रोड्यूस देम टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल. आईज से या फिर कोई आई लाइक स्ट्रक्चर किसी भी इन्वर्टिब्रेट या इंसेक्ट में होता है, ठीक है, जिससे वो आई के जिससे वो लाइट के फोटॉन्स को रिसीव करते हैं. कि उन लाइट के फोटॉन्स को जब वो रिसीव करते हैं तो वो मैसेज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. वो एक्शन पोटेंशियल उनकी ऑप्टिक फाइबर से होता हुआ उनके ब्रेन में जाता है. ब्रेन से वो मैसेज कन्वे होता है कि ये फलां चीज है या फलां तरफ हमने या इस ओरिएंटेशन में मूव करना है या आगे प्रे है या आगे नेक्टर है या क्या है, ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए या प्रीडेटर है उसको देखने के लिए, ठीक है. ये जो फोटोरिसेप्टर्स हैं मैसेज कन्वे करते हैं इन दी फॉर्म बाय एब्जॉर्बिंग लाइट फोटॉन. सर्टेन फ्लैजेला फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ या यूग्लिना दैट कंटेन द क्लोरोफिल पजेस अ मास ऑफ ब्राइट रेड फोटोरिसेप्टर ग्रैन्यूल्स का स्टिग्मा. आप ये एक न्यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, ठीक. इसके फ्लैजेला के पास एक ब्रेक रेड लाइक एक बल्ब होता है जिसको आप जो के पिगमेंट फोटोरिसेप्टर का स्टिग्मा है, ठीक है. और इसी फ्लैजेला के बेसमेंट में एक ब्लू लाइक बबल होता है या स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये एक्चुअल फोटो रिसेप्टर है. ये जो पिंक ये जो रेड ब्रेक कलर का है नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये पिगमेंट शील्ड है, ठीक है. पिगमेंट शील्ड और स्टिग्मा दोनों मिलके इसे लाइट को कैप्चर यूग्लिना को लाइट को कैप्चर करने में और लाइट की तरफ उसकी मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. फोटो रिसेप्टर प्लस स्टिग्मा इनेबल यूग्लिना टू ओरियंट इटसेल्फ सो that its photoreceptor is exposed to light. This helps the protozoa maintain itself in the region of water column where sufficient light is available for the photosynthesis. कुछ vertebrates में different types की eyes होती हैं, जिस तरह ये आपने यूग्लिना और protozoa में देखा एक bulb like stigma या swelling like structure जिसको स्टिग्मा बोला. आज कुछ और वर्टिब्रेट्स में जो आई है वो डिफरेंट टाइप्स की है, जैसे कि ओसिलस या ओसिलाई, कंपाउंड आईज और कॉम्प्लेक्स आई. एंड ओसिलस इज अ सिंपली स्मॉल कप लाइन विद लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर. एक सिंपल कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. और इसकी जो आउटर लाइन है या इसकी जो बैक साइड है उसमें लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, या फोटोन एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होते हैं. ये कप लाइक स्ट्रक्चर है. इसके स्ट्रक्चर इस कप लाइक स्ट्रक्चर में जो चीज लाइट सेंसिटिव है दैट इज द रेटिनल सेल्स. रेटिना जो कि आंख में स्ट्रक्चर होता है ना, रेटिना, उससे ये सेल्स इस ओसिलस में इन सेल्स वो सेल्स जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं. लाइट सेंसिटिव सेल्स का नाम रेटिना से रेटिनल सेल किया गया है. Stimulation by light caused a chemical change in pigment leading to a generator potential or action potential which caused an action potential that sensory neuron carry for interpretation elsewhere in the animal's body. Ocellus ki ocellus type of eye jo hai wo kisi bhi cheez mein se light direction ko किसी भी एनिमल को लाइट डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, लेकिन कोई भी इमेज नहीं बना सकती, ठीक है. वो सिर्फ डार्क और लाइट डार्कनेस और लाइट की ही या डार्क और लाइट पीरियड की इंफॉर्मेशन देती हैं या इंटेंसिटी. यहाँ पे डार्क पीरियड की ज़्यादा है, यहाँ पे डार्क पीरियड ज़्यादा है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे ज़्यादा लाइट है, तो एनिमल की मूवमेंट में हेल्प करती हैं या फिर उसको लाइट इंटेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेशन नहीं करती, ठीक है. वो उसके वीएन में हेल्प नहीं करती. ऑसिलस जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आई है जो कि किसी भी चीज़ का इमेज नहीं बना सकती.
Next type is the compound eye, consists of a few of many distinct units called the omatidia. Oma, omato mean eye and ima mean little. So omatidia mean thousands of eyes. Also complex eye occur in some annelids, bivalve molluscs. They are best developed and understood in arthropods. A compound eye may contain thousands of omatidia, each oriented in a slight different direction from the other, as is her two eyes overall concave shape. आप ये जो आई है, आप एक हनी बी की आई का स्ट्रक्चर देखें, ये डायग्राम, ये कंकेव शेप है. कंकेव शेप होती है जो कि कर्व शेप हो, ठीक, जो कि मार्जिन से थिन हो और उसका जो मिडल साइड है वो थिक हो, ठीक. और इसमें थाउजेंड्स ऑफ ओमाटेरिया है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ आईज हैं. ये जो आपको एक डॉट नज़र आ रहा है, दीज आर, दिस इज द वन ओमाटेरिया, तो ये थाउजेंड्स ऑफ ओमाटेरिया आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ आईज हैं और ये हर डायरेक्शन में देख सकते हैं. तो इस तरह से इनकी जो आईज हैं या कंपाउंड आईज इस तरह से मॉडिफाई होते हैं कि अगर आप किसी फ्लाई को पकड़ना चाहें किसी भी डायरेक्शन से, ठीक है, चाहे इसकी साइड वे से या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से और टू इट्स बैक साइड, तो क्या करते हैं, फ्लाई को पता होता है कि हमें ये कोई जो प्रीडेटर है वो हमें पकड़ने लगा है, ठीक है, तो फ्लाई कर लेती है. क्योंकि इनकी जो आईज हैं उसमें जो थाउजेंड ऑफ ओमाटीडिया हैं वो हर तरह से बीएन सिग्नल दे रहे होते हैं, हर तरफ से बीएन सिग्नल दे रहे होते हैं. ईच ओमाटीडियम हैज इट्स ओन नर्व ट्रैक लीडिंग टू द लार्ज ऑप्टिकल नर्व. एक ओमाटीडिया जो है, एक एक ओमाटीडिया, हर ओमाटीडिया जो है वो नर्व ऑप्टिक के साथ लिंक होती है और नर्व इम्पल्स उसका मैसेज कन्वे करता है ब्रेन को, ठीक. ओमाटीडिया जो हैं, एडजेसेंट ओमाटीडिया जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, वो ओवरलैपिंग भी हुई होती है उसमें, और ये किसी भी एनिमल को डिटेक्टिंग मूवमेंट में और इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. इस प्लस इसका एडवांटेज ये है कि लाइट इंटेंसिटी को भी चेंज इन लाइट इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन भी देती हैं और साथ साथ ये कलर वीएन में भी हेल्प करती हैं, ठीक. अब आप लोगों ने देखा होगा कि बटरफ्लाइज और हनी बी ज़्यादातर उन फ्लावर्स में, कलरफुल फ्लावर्स में और सेंटी फ्लावर्स में बैठती हैं, या ऐसे फ्लावर्स जिनके फ्लोरल शेप हो, ठीक है, जिनकी पेटल्स जो हैं वो कलरफुल हो, या उनमें से सेंट या फ्रेगनेंस आ रही हो, या फिर उनकी फ्लोरल उनका जो पैटर्न है वो फ्लोरल हो, मतलब खिला हुआ हो, ठीक. तो ये अपना नेक्टर कलेक्ट करने में जाती हैं हनी बीज या बटरफ्लाईज. जब मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट कलर जिनमें कलर वियन या कलर डिटेक्शन की सेंस है वो ये बिहेवियर शो करते हैं. कॉम्प्लेक्स आईज, द कॉम्प्लेक्स आईज ऑफ स्क्वेयर एंड ऑक्टोपस आर द बेस्ट इमेज फॉर्मिंग आई अमंग द इनवर्टिब्रेट्स. इनफैक्ट द जायंट स्क्वेयर्स आई इज द लार्जेस्ट ऑफ एनी एनिमल्स एक्सीडिंग 38 सेंटीमीटर इन डायमीटर. इतनी बड़ी होती है ऑक्टोपस की या स्क्वायर्ड की आई. स्पेलोकोड आई आर ऑफन कंपेयर टू दोज ऑफ वर्टिब्रेट बिकॉज दे कंटेन आ थिन ट्रांसपेरेंट कॉर्निया और उसमें लेंस भी होता है लाइक वर्टिब्रेट और ह्यूमन आई, जिस पर लाइट फोकस करती है, ठीक है, और इसमें सीलियरी मसल्स भी होते हैं ह्यूमन की तरह. ह्यूमन्स में भी सीलियरी मसल्स होते हैं और इनमें भी सीलियरी मसल्स होते हैं मोलस्क में या स्पेलोपोड्स में. However, the complex eye of squid are different from the vertebrate eye in that the receptor site on the retinal layer face in the direction of light entering the eye. अभी ह्यूमन में क्या होता है, जो रेटिना है वो इन्वर्टेड होती है, जहाँ से रेटिना जो है वो इन्वर्ट होती है, जहाँ से इन्वर्टेड होती है, जहाँ से लाइट आ रही होती है ना, उस तरफ से रेटिना इन्वर्ट होती है इन वर्टिब्रेट्स में. लेकिन इन वर्टिब्रेट्स या स्क्वायर्ड में क्या है, ये उसी डायरेक्शन में है, जो इनकी जो रेटिना की लेयर है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में से लाइट आँख में जा रही होती है. तो ये इसका डिफरेंस है. इन वर्टिब्रेट आई द नर्व फाइबर रूट बिफोर रेटिना
then blocking some light and creating a blind spot where the fiber pass through the retina. अब क्या होता है? ये vertebrate की आई है और ये एक octopus की आई है, ठीक? Light enter होगी retina से और कुछ जो जब रेटिना पे स्ट्राइक करेगी तो कुछ लाइट जो है वो गुजरेगी उसके अंदर से, लेकिन कुछ जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक? और यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बना देगी. लेकिन ऑक्टोपस में जितनी भी लाइट आंख के अंदर एंटर हो रही है वो सारी पास ऑन हो रही है, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा, ठीक? तो ये इन दोनों में डिफरेंस है. वर्टिब्रेट्स हैव ब्लाइंड स्पॉट. Proprioceptors, commonly called the stretch receptors, these are internal sense organs that respond to mechanically induced changes caused by stretching, compression, bending on tension. These receptors give an animal information about their movement of body and their position relative to each other. Part इनकी बॉडी का कोई पार्ट मूव कर रहा है या एनिमल की बॉडी मूव कर रही है, तो जब बॉडी मूव करेगी एनिमल की तो मसल्स जो हैं वो पुल और पुश होंगे या स्ट्रेचिंग होगी, कंट्रैक्शन होगी और प्रेशर चेंज होगा. तो ये प्रेशर चेंज और कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग, टेंशन प्रोड्यूस होगी किसी भी मसल में, तो ये सारी चीज़ों को सेंस करने के लिए कोई ऑर्गन मूव कर रहा है या एनिमल इटसेल्फ कोई अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इस चेंजिंग पोजीशन में जो मसल स्केचिंग हो रही है उसको सेंस करने के लिए प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं. दे हैव मोस्ट थॉरली स्टडीड इन आर्थ्रोपॉड्स और इनके जॉइंट्स में या एक्सटेंसर मसल्स में होते हैं. आप हमने लास्ट चैप्टर को पढ़ा था कि जो इंसेक्ट्स होते हैं एक उसमें एक्सटेंसर मसल होता है और एक रिलैक्सर मसल होता है, ठीक है? एक्सटेंसर मसल जब एक्सटेंड या स्केच करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एनर्जी स्टोर होती है, जब मसल रिलैक्स करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? तो ये किसी भी आर्थ्रोपॉड या इंसेक्ट के जॉइंट्स और एक्सटेंसर मसल में ये रिसेप्टर्स होते हैं. अब जैसे आके आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक आर्थ्रोपॉड की एग्जांपल है. इसके जितने भी ये सेगमेंट्स हैं या इसके टांगों में जितने भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, इन सेगमेंट के दरमियान में भी जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है या जो स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रिप मसल या स्केलेटल मसल का बना हुआ है, ठीक है, उन मसल्स में उस जंक्शन में जो न्यूरॉन्स हैं दीज आर दी प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, जो कि इनकी चेंज इन शेप को, ठीक है, स्केचिंग को या कनेक्टिव टिश्यू की इलास्टिसिटी को या मेम्ब्रेन के जॉइंट होने को या जॉइंट के स्केचिंग को फील करते हैं, सेंस करते हैं. नेक्स्ट है जी टैक्टाइल रिसेप्टर. टैक्टाइल रिसेप्टर सेंस करते हैं टच को. दे आर जनरली ड्राइव फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल सेल एसोसिएटेड विद सेंसरी न्यूरॉन. मोस्ट टैक्टाइल रिसेप्टर ऑफ एनिमल इन्वॉल्व प्रोजेक्शन फ्रॉम बॉडी सरफेस. और ये किसी भी एनिमल्स या इंसेक्ट के ब्रिस्टल में, स्पाइन में, सिटाई में जो भी प्रोजेक्शन या हेयर लाइक स्ट्रक्चर किसी भी एनिमल के बॉडी के ऊपर या ह्यूमन के बॉडी पे जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन हैं उनमें ये पाए जाते हैं टैक्टाइल या सेंस ऑफ टच रिसेप्टर. व्हेन एन एनिमल कॉन्टैक्ट एन ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट दीज रिसेप्टर आर मैकेनिकली डीफॉर्म. ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी एनिमल या इंसेक्ट या किसी भी इनवर्टिब्रेट की बॉडी के साथ टच करता है तो ये रिसेप्टर्स डीफॉर्म हो जाते हैं. जब ये रिसेप्टर डीफॉर्म या डीएक्टिवेट होते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं उस रिसेप्टर को. ठीक, वो रिसेप्टर क्या करता है, उस सिग्नल को रिसीव करता है रिसेप्टर और उस सिग्नल को रिसीव या सेंस करने के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. मोस्ट टैक्टाइल रिसेप्टर आर आल्सो सेंसिटिव टू मैकेनिकली इंड्यूस्ड वाइब्रेशन प्रोपगेशन थ्रू वाटर और सॉलिड सब्सट्रेट. जो वाटर लिविंग एनिमल्स हैं उनमें वो वाटर फ्रंट को जब वाटर उनकी बॉडी के साथ या टच करता है या उसको सेंस करने में भी वो हेल्प करता है
एनिमल को भी वो वाइब्रेशन या वो टचिंग ऑफ वाटर को सेंस करने के लिए भी टैक्टाइल रिसेप्टर उनकी बॉडी में होते हैं, ठीक है। कुछ ट्यूब डिवेलिंग पॉलीट्यूड्स में भी के वो मे बी ये रिसेप्टर होते हैं दैट अलाउ देम टू रीट्रैक्ट क्विकली इनटू देयर ट्यूब इन रिस्पॉन्स टू मूवमेंट इन देयर सराउंडिंग। अब जो डिवेलिंग ट्यूब डिवेलिंग एनिमल्स हैं, क्या होता है जब उनकी इन्वायरमेंट में कोई वाइब्रेशन उनको फील हो रही होती है तो वो उनका जो सेगमेंट या उनका जो शेल है वो उन वाइब्रेशन को फील करता है तो वो जल्दी से अपनी ट्यूब में या अपने शेल के अंदर छुप कर बैठ जाते हैं, ठीक है। वेब बिल्डिंग स्पाइडर की वेब में जब कोई प्रे उनका जो प्रे कैप या ट्रैप हो जाता है तो उस प्रे की ट्रैपिंग से उसकी वेब में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्पाइडर को पता चल जाता है कि हमारे जो जो हमने वो वेब बिल्ड किया है या जो हमारे वेब में कोई प्रेडेटर या प्रे आके फंस चुका है तो वो उसको कैच करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जी थर्मोरिसेप्टर, और ये टेम्परेचर चेंज को सेंस करते हैं। सम इनवर्टिब्रेट कैन डायरेक्टली सेंस डिफरेंस इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटोजोन परमिशन कलेक्ट इन एरिया वेयर द वाटर टेम्परेचर इज मॉडरेट एंड इन अवॉइड टेम्परेचर एक्सट्रीम। अब जो पैरामीशियम हैं वो ज़्यादातर मॉडरेट या न्यूट्रल वाटर में रहते हैं, ठीक, जिनकी जो पीएच है वो भी मॉडरेट हो और उनका जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल हो, ठीक, एक एम्बियंट टेम्परेचर पे रहते हैं और वो वाटर की एक्सट्रीम को एक्सट्रीमली कोल्ड या एक्सट्रीमली हॉट वाटर से वो अवॉइड करते हैं। कुछ हीट सेंसिटिव मैकेनिज्म ड्रॉ लीचेस और ट्रिकेट्स टू वार्म ब्लडेड होल्स। अब लीचेस और ट्रिकेट्स ज़्यादातर वार्म ब्लडेड होल्स में रहती हैं, ऐसे होल्स जिनकी बॉडी जो है वो वार्म ब्लडेड हो, वार्म ब्लडेडली मॉडिफाई हो, तो अपने आप को उन होल्स के साथ चिपका लेती हैं, ठीक है। ज़्यादातर वो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस वगैरह। सर्टेन इंसेक्ट्स सम क्रस्टेशियन एंड द हॉर्स शू क्रैब ऑल्सो सेंस दी थर्मल वेरिएशन। नेक्स्ट है जी लेटरल लाइन सिस्टम एंड मैकेनोरिसेप्टर। अब आपने जो पीछे रिसेप्टर्स पढ़े थे, जितने भी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर पढ़े थे वो इन वर्टिब्रेट्स में पढ़े थे, ठीक है। अब ये जो अगला लेटरल लाइन सिस्टम है, ऐसे एनिमल जिनमें जिनकी बॉडी जो है वो लेटरल होती है, लाइक फिशीज, लाइक एम्फीबियन, लाइक सम रेप्टाइल्स, ठीक है। लेटरल लाइन सिस्टम और मैकेनो रिसेप्टर, लेटरल लाइन सिस्टम आल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ टैक्टाइल सेंस ऑर्गन्स। दिस इज यूनिक टू एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स फ्रॉम फिशेस टू एम्फीबियन, जो कि लैम्प्रेज या हैग फिशेस जो कि डीप इन सी रहती हैं, डीप इन ओशन फिशेज होती हैं उनमें और एम्फीबियंस की एम्फीबियन की कुछ स्टेज में, ठीक है, वो स्टेज जो कि उनके वाटर लिविंग स्टेज होती है। It serves to detect movement and pressure change in the surrounding water. It is made up of series of mechanoreceptors. अब उन mechanoreceptor का नाम है neuromast. These neuromast are arranged in the interconnected network along their body. अब क्या होते हैं? Lateral line system में ऐसे animals जिनकी body laterally modified होती है, ठीक है? और ये इनमें जो ये जो mechanoreceptors हैं उनको उनका नाम है neuromast. अब क्या होता है, ये न्यूरोमास्ट, ये मैकेनोरिसेप्टर्स लेटरल साइड में मैकेनोरिसेप्टर इनकी बॉडी की लेटरल साइड पे होते हैं और ये सिर्फ इनकी बॉडी या स्किन में होते हैं, नॉट प्रेजेंट इन देयर हेड के रीजन में ये नहीं होते, बल्कि इनकी बॉडी की लेटरल साइड पे होते हैं और ये स्किन के नीचे होते हैं, ठीक है। और ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इनकी वाटर कैनाल के साथ या बॉडी कैनाल के साथ 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 मौजूद होता है स्किन की एपिथेलियल के नीचे। तो ये तो थे जी लेटरल लाइन बॉडी एंड मैकेनोरिसेप्टर, लेकिन कुछ मैकेनोरिसेप्टर मॉडिफाई होकर इलेक्ट्रिकल रिसेप्टर बना देते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सेंसिंग रिसेप्टर्स में
चेंज हो जाते हैं, या जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी सेंसेस करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, या कुछ ऐसी फिशेस जो वाटर लिविंग होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करती हैं इन फ्यू मिली एम्पियर, या फ्यू वोल्टेज का, बहुत कम वोल्टेज का या बहुत ज़्यादा। कुछ एनिमल्स या शार्क या रे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का या वोल्टेज का भी करंट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो कम इलेक्ट्रिकल सेंसिंग या इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करती हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेंसिंग कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल वेव्स के मीनिंग्स में भी आता है, ठीक है। अब शार्क्स और रेज ने जो मैकेनो रिसेप्टर या न्यूरो मास को मॉडिफाई हो गए इलेक्ट्रो रिसेप्टर को, और जब वो मॉडिफाई हो गए इलेक्ट्रो रिसेप्टर में, तो उनको नाम दिया गया एम्पुलाई ऑफ लोरेंजिनी। इट इज कंसिस्ट ऑफ सेंसरी पोर विच कनेक्ट टू द कैनाल लीडिंग टू द इलेक्ट्रो रिसेप्टर कॉल्ड एम्पुलरी ऑर्गन, और ये फिश के हेड और बॉडी के एरिया में होते हैं। जो मैकेनो रिसेप्टर है वो इसके लेटरल लाइन में, लेकिन ये थ्रू आउट द बॉडी एरिया एंड देयर हेड भी होते हैं, लेकिन जो मैकेनो रिसेप्टर होते हैं उसके फिश की हेड में नहीं होते। इलेक्ट्रो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, और ये हेल्प करते हैं शार्क्स और रेज को उनकी होमिंग और माइग्रेशन में। अब ये जो कुछ शार्क्स ऐसी होती हैं, ये कुछ रेज का बिहेवियर होता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू वो वाटर की टर्बिडिटी या टर्बुलेंसी और उसकी क्लियरेंस को डिटेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल वेव हो या इलेक्ट्रिकल करंट, कोई भी शार्क या रे पानी में प्रोड्यूस करेगी, तो वो इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल वेव के मूवमेंट से वो डिटेक्ट करेगी कि वाटर में जो वेव है या करंट है वो कितनी दूर तक गया है, या कितनी तेज़ी से, किस इंटेंसिटी से उसने मूव किया है। अगर वाटर क्लियर होगा तो वो ज़्यादा तो जो करंट है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, वो बहुत दूर तक और बहुत तेज़ी से मूव करेगा। लेकिन अगर वाटर टर्बुलेंट है या गदला है, तो क्या होगा, वो जो सिग्नल है वो पास पास रह जाएगा, या उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होगी, ठीक। तो जब वाटर टर्बुलेंट होगा तो शार्क्स या रेज वहाँ से माइग्रेट करेंगी और किसी क्लियर वाटर में जाकर अपना अपनी होमिंग करेंगी, ठीक। तो ये वाटर लिविंग या लेटरल सिस्टम या लेटरल बॉडी एनिमल्स को होमिंग और माइग्रेशन में भी हेल्प करता है। द लेटरल लाइन सिस्टम अलाउ द फिश टू determine the direction and rate of water movement. The fish can then gain a sense of its own movement, that of nearby predator or prey, and even the water displacement of the stationary objects. अब ये lateral line system में जो mechano या electrical sensing receptors हैं, ampullae of Lorenzini और neuromast, ये help करते हैं किसी fish को water मूवमेंट में या वाटर के करंट या वाटर की ओरिएंटेशन डिटेक्ट करने में, ठीक है, उसकी नियर बाय प्रे या प्रीडेटर को सेंस करने में, ठीक, और किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है या इन मूविंग है, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने में भी ये फिश को या लेटरल बॉडी बेयरिंग एनिमल्स को हेल्प करते हैं। तो ये था जी आज का चैप्टर, आज का लेसन। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, सेंसरी सेप्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड लेटरल लाइन सिस्टम। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे सेंसरी सेप्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स।